हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसके सॉल्यूशन की। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन में आपको जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग था, जितने भी आपके टॉपिक थे, वो मैंने आपके लिए क्लियरली कर दिए। ओके, अब उन्हीं का यहाँ पे क्या है, आपको उन्हीं का यूज करते हुए आपको एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट देखो, आपसे क्या है, उन्होंने ये कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म A+IB। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको जो क्वेश्चन दिए उनको आपको A+IB फॉर्मेट में लिखना है। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा है, A+IB इसमें ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, और जिस नंबर में आयोटा लगाओ, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। आई बात समझ में? और रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? मैंने क्या कहा, ये तो रियल है, तो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को आपको A+IB फॉर्मेट में लिखना है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 IB। देखो पहले आपको लेट कर लेना है, A+IB इक्वल टू क्या, 5 IB, ओके, -3/5 IB। ओके, तो स्टूडेंट देखो माइनस तो मैंने बाहर ही ले लिया, ओके, -5 IB × 3/5 IB। ओके स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि -3 IB². ओके, अब स्टूडेंट -3 IB² की वैल्यू कितनी, -1। ओके, तो आपका क्या हो गया, +3 और प्लस क्या, 0 IB, क्योंकि यहाँ से क्या है, ओके, ये आपका क्या है, आयोटा वाला फॉर्मेट समाप्त हो गया था ना, फिनिश हो गया, तो 0 IB लिख देना है। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, देखो पता नहीं आयोटा है क्या बन है, मैं तो बन ओके से सॉल्व कर रहा हूँ। लेट A+IB इक्वल टू 1 IB/19। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखो आप 1 प्लस इसे आप कैसे लिखोगे, IB³³ × IB³। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब ये आपका क्या, 1 प्लस, देखो IB³ की वैल्यू 1 और 1 की पावर 4 क्या, 1 × IB³। ओके, तो 1 प्लस IB³। ओके, अब 1 ये IB³ की वैल्यू कितनी होती है, -IB। स्टूडेंट आंसर चेक कर लेते हैं कि ये 1 है कि IB है। ओके, तो क्या है, 5.1 का आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर टू 0 आंसर है। ओके, तो यानी कि ये फिर IB ही है, वो उनने सही से नहीं बना पाया है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, IB और क्या, तो जिस कैंसिल आउट क्या आ गया, 0 + 0 IB। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है, तो 3 क्वेश्चन आपका है, उन्हें दिया है IB −29। ओके, तो लेट 0 + A+IB इक्वल टू क्या, IB −39। ओके, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 1/IB³ कर लेना है। ओके, अब देखो अब आपको क्या करना है, 1/IB³ ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको ओके ये 36 हो गए, तो IB³ और कर देना है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो 1/ इसकी वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी ये पूरा, क्योंकि IB³ 1, 1 की पावर 9 क्या, 1 का आप इससे मल्टी करोगे तो IB³। ओके, और IB³ की वैल्यू क्या आपकी,
माइनस आयोटा। आई बात समझ में नहीं? अब स्टूडेंट क्या करो, आप आयोटा अपॉन रेशनलाइजेशन कर दो। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस आयोटा ऊपर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आई बात समझ में? ओके, यानी कि माइनस आयोटा अपॉन ये आपका क्या होता है, माइनस वन, यानी कि आयोटा आपका क्या है, आंसर हो गया। ओके, क्लियर है? आप लिख लेना जीरो प्लस ओके आयोटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओके रियल नंबर नहीं है ना, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है, रियल पार्ट नहीं है ना, तो फिर रियल पार्ट क्या करो, जीरो कंसीडर कर लो। ओके, तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब है आपका क्वेश्चन नंबर फोर। देखो क्वेश्चन नंबर फोर, वही आपको ए प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में लिखना है, तो लेट पहले आप लेट कर लोगे, ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू क्या आपका, थ्री सेवन प्लस सेवन आयोटा या आयोटा सेवन, एक ही बात है। ओके, और प्लस आयोटा और क्या, सेवन प्लस सेवन आयोटा। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है। आई बात समझ में गई? अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो, 21 प्लस क्या, 21 आयोटा। ओके, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, 7 आयोटा और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट ये 21 प्लस ये आपका क्या हो गया, 27 आयोटा। आई बात समझ में? वो सॉरी 28, 21 प्लस 7 28। ओके, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे माइनस वन, तो माइनस वन का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 7, अब ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या 14 प्लस 28 आयोटा। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 क्वेश्चन में उनने ये कहा है, पहले आप लेट जरूर कर लोगे, ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू आपका क्या है, 1 माइनस आयोटा। ओके, और माइनस माइनस 1 प्लस 6 आयोटा। ओके, तो स्टूडेंट देखो अब आपका क्या, 1 माइनस आयोटा ये आपका क्या है, माइनस माइनस प्लस। ओके, और ये आपका क्या है, माइनस 6 आयोटा। क्लियर है कि नहीं? देखो माइनस, ओके ये 1 माइनस आयोटा और ये आपका क्या है, प्लस। ओके, माइनस माइनस प्लस 1 और ये क्या है, माइनस। ओके, अब स्टूडेंट देखो दिस ऐड हो गया 2, दिस ऐड हो गया 7 आयोटा। आई बात समझ में? ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 6 से आपका पहले आपको लेट करना है a प्लस बी आयोटा इक्वल। देखो स्टूडेंट आप ये मत समझना कि सर आप तो अनाधुन चले जा रहे हो। ओके, आई बात समझ? जब चीज़ें क्या है, इजी है, तो मैं फिर अपने ओके धुन में ही रम जाता हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? अब आप कहोगे सर मुझे क्यों नहीं देख रहे? अरे यार तुम्हें देख तो रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तुम्हें ना देखेंगे तो फिर क्या है, क्वेश्चन सॉल्व ही काय को करते। क्लियर है कि नहीं? तो आप ये मत समझना कि सर आप कहाँ हो, मैं वहीं हूँ, लेकिन आप यहीं होना चाहिए। ओके नहीं, मैं कहीं भी हूँ, आप क्लास में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो देखो आपका ए प्लस बी आयोटा इक्वल टू क्या है, 1/7 प्लस सॉरी 1/5 प्लस आयोटा रेस्ट 2/5। ओके, और अब है आपका माइनस 4 प्लस आयोटा रेस्ट 2/5। क्लियर है कि नहीं? आयोटा रेस्ट 5/2 है, सॉरी 5/2। ओके, दिस क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखो बड़े प्यार से सॉल्व कर दोगे, प्लस ये क्या 2/5 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये आप माइनस 4 और ये आपका क्या है, माइनस 5/2। ओके, अब स्टूडेंट देखो 1/4 रियल एक तरफ करो, माइनस 4। क्लियर है? और ये आपका क्या है, प्लस 2/5 और माइनस 5/2। तो ये आपका क्या हो गया, ये कितना हो गया, 20 माइनस 20 प्लस 1 यानी कि माइनस 90/5। क्लियर है स्टूडेंट? इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो गया, 10 LCM आएगा, ये 2 बार जाएगा तो यानी कि 4 आयोटा। ओके, ये 5 बार जाएगा तो 5 माइनस 25
आयोटा। क्लियर है? क्लियर, यानी कि माइनस 19 अपॉन 5 और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस के 21 बचेंगे। ओके, तो माइनस 21 आयोटा अपॉन 10, ये आपका क्या है, फाइनली आंसर हो गया। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से सॉल्व करना है और प्लीज़ उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। आई बात समझ? मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड नहीं करते हो, ये गलत बात है। सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ के कोई भी क्या है, ओके, तो गलत है ये। आई बात समझ में? नेक्स्ट से मुझे क्या है, सबका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, तो देखो स्टूडेंट, आपका क्या है, ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू, ये आपको क्या है, दिस ये है 1 माइनस आयोटा ई पावर 4, इसको आपको ए प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में लिखना है। ओके, तो देखो और क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो बिल्कुल इजी है, आपको सीधी क्या है फ्रैक्शन सॉल्व करना है। पहले आप ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व कर लोगे, फिर उसमें से क्या है कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया वो सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ओके, इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, कोई दिक्कत है ऐसा करने में? अभी बात समझ? अब स्टूडेंट देखो, इसे आप ओके ओपन करो, तो ये क्या है, क्या होता है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 2ab, ओके, यही तो होता है। तो देखो ए स्क्वायर ओके प्लस आयोटा स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं, और माइनस 2a की वैल्यू 1 और आयोटा, यही तो हो जाएगा, क्लियर है, इनटू ये भी वही होगा, ओके प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ओके माइनस 2 आयोटा, क्लियर है कि नहीं, और ये आपका क्या 1, यहाँ पे स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर होगा। ओके, तो माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा, दिस कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, यानी कि माइनस 2 आयोटा और इनटू क्या माइनस 2 आयोटा, क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया 4 आयोटा स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या माइनस 1, यानी कि माइनस 4 प्लस 0 आयोटा। ओके, क्लियर है? अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लेट कर लेना है आपको, ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू क्या 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यू। अभी बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, देखो ए प्लस बी का होल क्यू, और ये क्या होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। अभी बात समझ में करी? ओके, तो स्टूडेंट देखो आप सॉल्व करते हैं, ए क्यू यानी कि 1/3 का क्यू, तो यानी 1/27, ओके प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर क्या 1/9। अभी बात समझ में करी? और इंटू क्या बी, बी की वैल्यू क्या 3 आयोटा। अभी बात समझ में करी? अब क्या प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1/3 और बी स्क्वायर यानी कि दिस स्क्वायर यानी कि इंटू 9 आयोटा स्क्वायर। अभी बात समझ में? अब प्लस क्या बी क्यू, बी की वैल्यू कितनी है दिस, तो यानी कि 27 आयोटा क्यूब। अभी बात समझ में करी? तो स्टूडेंट देखो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, क्लियर है कि नहीं, और ये 3 या 9 और 9 से ये 9 कैंसिल आउट। ओके, यानी कि 1/27 यहाँ से आपका क्या रह गया प्लस आयोटा, क्लियर है कि नहीं, और यहाँ से आपका क्या देखो ये यहाँ से आपका सिर्फ 9 आयोटा स्क्वायर। ओके, तो प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस 1, और ये यहाँ पे प्लस 27 आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा। अभी बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो 1/27 प्लस आयोटा, ये आपका क्या हो गया माइनस 9 और ये आपका क्या हो गया माइनस 27 आयोटा, क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आप इसे इधर ले आओ, 1/27 माइनस 9, ओके,
और ये तो आपका वैसे ही सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस 26 आयोटा, इसे और आप सॉल्व कर लो। ओके, तो इसका सॉल्व हो जाएगा आपका 27 इंटू 9, 7 जा 63, 6 कैरी, 9 टू जा 18, 18 और 6 24, और देखो तो 243 माइनस में और प्लस 1 यानी कि 242। ओके, क्लियर है कि नहीं? देखो दिस मल्टीप्लाई होके यही आएगा। देखो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 6 24। ओके, तो 24 ये आपका क्या है, यही आएगा बिल्कुल। ओके, यानी कि 243 242 माइनस 26 आयोटा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट, ये यहाँ पे 27 और रह जाएगा अपॉन में। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है, तो स्टूडेंट देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा 2 + 1/3 आयोटा। ओके, और ये इस प्रकार से हो जाएगा का होल क्यू। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, अब स्टूडेंट माइनस का क्यूब तो क्या है, माइनस में ही आएगा, तो यानी कि माइनस मैंने आगे लगा दिया, अब ये 2 + 1/3 आयोटा ये हो गया। ओके, का होल क्यूब, क्लियर है? अब स्टूडेंट ये आपका वही हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, तो माइनस तो आपका बाहर है ही। ओके, ए क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8। ओके, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4 इंटू बी 1/3 आयोटा। ओके, अब क्या प्लस, ओके 3 ए, ओके बी स्क्वायर यानी कि दिस स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर अपॉन 9, क्लियर है? और अब प्लस बी क्यू यानी कि आयोटा क्यूब अपॉन 27, ये हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट ये आपका क्या है, देखो 3 से 3 ए कैंसिल आउट, तो 8 + 4 आयोटा यही तो रह जाएगा यहाँ से, और ये 3 से 3 बार। ओके, तो प्लस ये 2/3 और आयोटा स्क्वायर की मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर किए देता हूँ माइनस 1। ओके, अब स्टूडेंट देखो प्लस ये आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा होती है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आयोटा अपॉन 27 ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो माइनस 8, ये देखो ये माइनस क्या 2/3, मैं रियल पार्ट बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। ओके, अब आपका क्या प्लस 4 आयोटा, और ये क्या देखो ये माइनस आयोटा अपॉन 27 यही तो आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये आपका क्या, ओके ये देखो ये आपका क्या है 24 माइनस ये, तो माइनस क्या 22/3, और ये आपका सॉल्व होके क्या हो जाएगा, ओके ये 108 आयोटा। ओके, 108 आयोटा में से ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका प्लस का 107 आयोटा अपॉन 27। आई बात समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा आपसे उनने क्या कह दिया होगा, उनने ये कह दिया होगा माइनस 20, ओके 2/3 और माइनस 107 आयोटा अपॉन 27, ये आपको लिख दिया 0+, ओके ए प्लस बी आयोटा फॉर्मेट में। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 की। तो इसमें उनने आपसे ये कहा है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि तो पहले आपको जो दिया है वो जेड के इक्वल लेट करो, तो जेड इक्वल टू आपका क्या है 4 - 3 आयोटा। ओके, अब बी नो, ओके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मोड जेड का होल स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट अब आप पहले तो आपको कंजुगेट जेड निकालना होगा, यानी कि कंजुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया रियल पार्ट का साइन चेंज कर देना, ओके वो सॉरी इमेजिनरी पार्ट का। ओके, तो 4 + 3 आयोटा। ओके, अब क्या मॉडुलस जेड आपको निकालना है, तो मॉडुलस जेड क्या होगा, ओके 4² = 16 और -3² तो +9। आई बात समझ में? ये आपका क्या हो गया 25
आ जाएगा ना रूट में 25 यानी कि 5। ओके अब नाउ करके आपको क्या कर देना है, जेड इनवर्स या 1/z = ओके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे डिनोटेट करते हैं, 1/z या जेड इनवर्स से। ओके तो जेड इनवर्स इक्वल टू क्या, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस जेड का होल। अब कंजुगेट ऑफ जेड कितना है, ये रहा 3। ओके क्या 4+3i अपॉन क्या, और ये मॉड जेड कितना है आपका, मॉड जेड 5 है। ओके तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि मॉड जेड का स्क्वायर है ना, आई बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गया 4+3i/25, इसी को वो ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे भी जरूरी है 3+25i, क्योंकि आपको रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट क्या है अलग करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 में आपको पहले आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो जेड इक्वल क्या √5+3i। ओके अब बी नो, ओके वाट नो, जेड इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब कंजुगेट ऑफ जेड क्या आएगा, √5-3i, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो जेड है उसी में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। आई बात समझ। अब मॉडुलस जेड, तो मॉडुलस जेड क्या आएगा, दिस स्क्वायर यानी कि √5² 5 हो जाएगा। आई बात समझ। प्लस 3² क्या हो जाएगा, 9 यानी कि रूट में 24। आई बात समझ में। अब नाओ, अब इसी में आपको क्या है वैल्यू रख देना है, जेड इनवर्स इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड कितना है, √5-3i अपॉन मॉडुलस जेड कितना है, √14 स्क्वायर है ना, तो का स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं। तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, यानी कि क्या आ जाए, ये तोड़ दो तो √5/14-3/14i। ओके एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, करते हैं पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ओके तो क्वेश्चन नंबर 13, लेट जेड इक्वल टू क्या है, -i है ना। तो स्टूडेंट इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, =0-i, कोई शकवक तो नहीं है। ओके अब स्टूडेंट देखो, अब बी नो, तो बी नो क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। अब कंजुगेट ऑफ जेड कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, इमेजिनरी नंबर है ना, उसका साइन चेंज कर दोगे इमेजिनरी पार्ट का, तो क्या 0+i आ जाएगा ना, 0 आप लिखो चाहे मत लिखो। ओके मैं आपकी ओके सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। अब क्या करना है आपको, मॉडुलस जेड निकालना है, तो मॉडुलस जेड कैसे, दिस ओके 0² 0 और यहाँ पे स्टूडेंट ओके आयोटा का जो कफिशियंट है वो क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या है, -1 है ना, क्लियर है कि नहीं। तो 0+ क्या, -1² 1 यानी कि 1 ही आएगा वो, तो क्लियर है। अब आपको नाउ, अब आपको जेड इनवर्स इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड क्या, आयोटा ही आएगा, तो देखो 0+i, ओके और क्या मॉडुलस जेड, तो मॉडुलस जेड क्या है 1 और उसका स्क्वायर यानी कि ये, तो यानी कि iota/1 यानी कि iota, और इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना 0+iota। आई बात समझ। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपका और रह गया है, ओके उसे करते हैं, उसके बाद क्या है ओके विदा लेते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये जो आपको दिया है इसको a+iota b फॉर्मेट में लिखना था, ओके या b iota एक ही बात होती है। तो स्टूडेंट देखो आपका एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज में इतना कुछ था नहीं, जितना मैंने आपको समझाया हाइपर होके उतनी एक्सरसाइज में कुछ झमेला नहीं था। आई बात समझ में। तो ओके देखो आपको समझना ज़रूरी है एक्सरसाइज, ये इजी पोर्शन है, ओके क्लियर है कि नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो डोंट फियर, ओके आप ऐसा ना समझना कि हायर मैथ इतना इजी है। आई बात समझ में। देखो हायर मैथ एक क्या है, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको क्या है प्रॉब्लम नहीं देगा, क्लियर है कि नहीं। तो प्लीज़ सीक्वेंस में पढ़ते चलना, ओके। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो स्टूडेंट ये आपका देखो a+b a-b लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा a² - यानी कि 9 माइनस, और ये
आयोटा रूट फाइव का स्क्वायर, ऐसे ही तो करना पड़ेगा, अपॉन क्या रूट थ्री प्लस रूट टू आयोटा, ये ब्रेक ओके, तो माइनस रूट टू, ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो प्लस क्या रूट टू आयोटा, आई बात समझ में क्लियर है। तो दिस एंड दिस स्टूडेंट आपका क्या कैंसिल आउट, तो ये आपका नाइन माइनस ये क्या हो जाएगा फाइव आयोटा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव आयोटा स्क्वायर अपॉन दिस दिस एड ओके क्या हो जाएगा टू रूट टू आयोटा, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस वन, माइनस वन का माइनस फाइव से मल्टी करोगे तो प्लस फाइव, और ये ऐड होगे कितने फोर्टीन अपॉन टू रूट टू आयोटा, ये आपके सेवन टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, आई बात समझ में, तो आपका क्या होगा सेवन अपॉन टू रूट टू ओके वो सॉरी रूट टू आयोटा। अब आप क्या करो रूट टू आयोटा से क्या है रेशनलाइजेशन कर दो, तो रूट टू आयोटा अपॉन रूट टू आयोटा ओके। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया सेवन रूट टू आयोटा अपॉन, ये आपका क्या हो गया देखो रूट टू क्या हो गए फुल टू और आयोटा स्क्वायर ओके, तो टू आयोटा स्क्वायर यानी सेवन रूट टू आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओके वन, तो क्या माइनस टू ओके, यानी कि माइनस से, और ये आपकी क्या इमेजिनरी नंबर है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे जीरो माइनस ये देखो माइनस सेवन रूट टू अपॉन टू आयोटा ओके ज़्यादा। और अगर उन देखो पहले आंसर चेक कर लेते हैं, कुछ जाता नहीं है आंसर चेक करने में, 5.1 का क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यही है स्टूडेंट ओके, तो ये हो गया आपका ओके। स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज क्या है फिनिश हो गई, क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट। देखो आप इतनी चीज़ें क्लियर करके रखोगे ओके, आप इन चीज़ों को क्या है बार बार लगाओगे ओके, क्लियर है कि नहीं। तो और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया उसको कमेंट बॉक्स में क्या है उसका आंसर मुझे सेंड जरूर करोगे, आई बात समझ में कि नहीं।